भाई देख रहा है इस लड़की को? ये लड़की हर रोज इस रास्ते पर टहलने आती है, और सबसे बड़ी बात, इस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं है। हैं तो इसका मतलब ये अकेली है। हाँ यार, बिल्कुल अकेली है। और हाँ, इसके पिता ने ना कुछ दिनों पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। भैया मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या आप मेरा मजाक बना रहे हैं। हम तेरा मजाक नहीं बना रहे हैं, जो सच्चाई है हम वो बोल रहे हैं। वैसे यार मनु, ये बता, इसके पिता ने फांसी क्यों लगा ली? तो मैं तुझे ये भी बता देता हूँ कि इसके पिता ने फांसी क्यों लगाई थी। क्योंकि इसके सर पर डीएम बनने का भूत सवार था। इसके पिता कभी नहीं चाहते थे कि ये डीएम बने। भैया अगर मैं गरीब हूँ तो क्या तुम मेरा मजाक बनाओगे? ये लड़की, हमने कोई तेरी मजाक वजाक नहीं बनाई है, और ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं हमसे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है अकेली लड़की को देखकर उसे परेशान करते हुए? चलो हटो मेरे रास्ते से, अब जाने दो मुझे। देख लड़की, अभी तक हमने तुझे परेशान नहीं किया है, लेकिन अब करेंगे तुझे परेशान। यार इस लंगड़ी की इतनी औकात हुई हमसे ऊंची आवाज में बात कर रही है? चल एक काम करते हैं, इसे व्हील चेयर से उठा के ना नीचे फेंकते हैं, तब देखेंगे ये कैसे चलेगी। देखो अगर तुमने मेरे साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब बकवास बहुत कर ली, चल भाई इसकी व्हील चेयर पलटते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज ऐसा मत करो। बहुत बकवास कर रही थी, अब पता चलेगा हमारे सामने लूले लंगड़ों की क्या औकात होती है। चल भाई। अरे कौन है ये लड़की, और यहाँ बीच रोड पर क्यों पड़ी है? देखता हूँ अभी। अरे इस लड़की को तो बहुत चोट लगी है, लेकिन इसको यहाँ पर किसने मारा होगा? यहाँ तो कोई है भी नहीं, अब मैं क्या करूँ? व्हीलचेयर? मुझे लगता है ये व्हीलचेयर इसी लड़की की है, हो सकता है ये विकलांग हो। एक काम करता हूँ, पहले इसकी व्हीलचेयर लेकर आता हूँ, उसके बाद लेकर जाऊँगा। अरे मैं यहाँ कैसे आ गई, और तुम कौन हो? देखो रोना बंद करो, तुम जहां भी हो सेफ हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, सारे दुख दर्द तूने मेरे ही जिंदगी में क्यों लिख दिए? देखो तुम डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा, बस मुझे अपने घर का पता बता दो। चलो छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम रोड पर जख्मी हालत में क्यों पड़ी थी, ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं उस रास्ते से अपने घर के लिए जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने आकर मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया, और तब मैं वहां से जाने लगी तो उन लोगों ने मुझे व्हीलचेयर से धक्का देकर गिरा दिया, फिर मेरे सिर पर चोट लग गई। मुझे नहीं पता उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। अच्छा ये बताओ कौन थे वो लोग, उनके बारे में जानती हो तुम? नहीं साहब, मैं उन लोगों को नहीं जानती, और उन लोगों को तो मैंने कभी पहले देखा भी नहीं है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? और मुझे ये बताओ तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं वो? साहब मेरा नाम नंदिनी है, और मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, और मेरे पिता ने अभी कुछ समय पहले आत्महत्या कर ली। क्या कहा नंदिनी, तुम्हारे पापा ने आत्महत्या कर ली? लेकिन उन्होंने आत्महत्या क्यों की, कुछ बताओगी मुझे? क्योंकि मेरा बचपन से सपना था कि मैं बड़े होकर एक आईएएस ऑफिसर बनूं, और मेरे पिताजी ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं, क्योंकि मेरे पापा पर बहुत कर्जा था, और कर्ज वाले हमारे घर पर आकर मेरे पापा को बहुत परेशान करते थे, इसीलिए उन्होंने उनसे तंग आकर आत्महत्या कर ली। नंदिनी
तुम चिंता मत करो, तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन तुम्हें IAS तो बनना ही होगा, क्योंकि IAS बनने के चक्कर में तुम अपना सब कुछ खो चुकी हो। देखो नंदिनी, मैं भी इस दुनिया में अकेला हूँ, और आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी, और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाने में मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। साहब, शायद मैं अब कभी IAS नहीं बन पाऊँगी, क्योंकि मैं अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। नंदिनी, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है, तुम एक दिन जरूर IAS ऑफिसर बनोगी। तुम अपने पैरों की चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में कराऊंगा, और उसके बाद तुम चलना फिरना स्टार्ट कर दोगी, वादा करता हूँ तुमसे। तो ठीक है नंदिनी, अब तुम लेट जाओ, थोड़ा बहुत आराम कर लो, क्योंकि कल शाम से तुमने खाना नहीं खाया है, तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। नंदिनी, मुझे ये बताओ, तुम्हारे पैरों में कितना आराम है अब? उठो, मैं तुम्हें चलाने की कोशिश करता हूँ। अरे नहीं नहीं वीर, अभी मेरे पैरों का दर्द ही तो बंद हुआ है, लेकिन मैं चल नहीं सकती। देखो नंदिनी, जब चलने की कोशिश करोगी तभी तो चल पाओगी, और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, अगर तुम गिरोगी तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा, उठो। अरे नहीं नहीं वीर, तुम मेरा यकीन करो, मुझे तो लगता है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती, और तुम चलने की बातें कर रहे हो। समझने की कोशिश करो, तुम चल पाओगी, मुझे पूरा यकीन है तुम पर। और तुम्हें याद होगा, डॉक्टर ने बोला था ना कि तुम्हें चलने की कोशिश करनी पड़ेगी, और वैसे भी पूरा एक महीना हो चुका है तुम्हारी दवाई के लिए, तुम्हें काफी आराम हो गया होगा। चलो उठो, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा, कोशिश करो, उठो नंदिनी और अपने आप को संभालो, चलो आराम से आराम से, उठो उठो। चलो नंदिनी, बहुत बढ़िया, तुम इसी तरीके से आगे बढ़ो, चलना सीख जाओगी। वीर बस, अब मैं और नहीं चल सकती, प्लीज मुझे व्हीलचेयर तक ले चलो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। नंदिनी बस थोड़ा आगे और चलो, उसके बाद मैं तुम्हारी व्हीलचेयर ले आऊंगा, कोशिश तो करो। नहीं नहीं वीर, अब तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज मेरे से और नहीं चला जाएगा। चलो ठीक है नंदिनी, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी व्हील चेयर लेकर आता हूँ, आओ मेरे साथ। ठीक है, तो फिर हम घर चलते हैं, सही है? नंदिनी, आज तुम्हें चलने की रिहर्सल करके कैसा लग रहा है? वीर, थोड़ा थोड़ा अच्छा तो लग रहा है, मगर मुझे बहुत डर लग रहा था, कहीं मैं गिर गई तो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें सहारा देने के लिए, जिंदगी भर साथ दूंगा तुम्हारा। अरे सुधीर यार, हम तो इसके घर पर गए थे, और ये यहाँ पर है, और ये लड़की कौन है इसके साथ? अरे लंगड़ी, तू तू इसके साथ क्या कर रही है? अरे साहब, आप किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? तुझे बहुत दिन हो गए बहाना बनाते बनाते, मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, मुझे हर हालत में कल पैसे चाहिए। मैंने आपको फोन पर बताया था ना, मैं आपके पैसे बहुत जल्द वापस कर दूंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस भिखारिन के साथ तू भी भिखारी बन गया है। देख, मैं कल आऊंगा तेरे घर तुझसे पैसे लेने, तूने कल भी पैसे नहीं दिए तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। और तू तू बच गई, हमें तो ये लगा कि रोड पर तुझे कोई कुचल के चला गया होगा। इसका मतलब साहब, आपने चोट मारी थी इन्हें? साहब मुझे ये बताइए, आपने क्यों किया था इनके साथ ऐसा?
हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाले, और तू हमें ही ज्ञान दे रहा है, और तू जानता भी है तेरी औकात नहीं है हमारे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करने की। अरे साहब, इसमें औकात की क्या बात है, मैं तो आपसे बस पूछ ही तो रहा हूँ, क्योंकि आपने इनके चोट मारी है। देखो ना, इन्हें कितनी चोट लगी है, अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तेरी अकल भी ठिकाने लगानी होगी। हम कल आएंगे तेरे घर पैसे लेने, तेरे पास कल तक का ही टाइम है। अगर तूने पैसे नहीं दिए ना, तो तेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, याद रखना। चलते हम। वीर, तुम्हारे ऊपर इतना कर्ज है और तुम मुझे आईएएस बनाने के चक्कर में लगे पड़े हो, और देखो आज मेरी वजह से तुम्हारी कितनी बेइज्जती हुई है, और वैसे भी तुम मेरे इलाज में बहुत पैसे लगा चुके हो। अब तुम मुझे मेरे हालातों पर छोड़ दो। नंदिनी, पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हें ऐसे कैसे तुम्हारे हालातों पर छोड़ दूंगा मैं? अरे मैंने वादा किया है तुमसे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचा कर ही रहूंगा मैं, और मेरी जितनी भी बेइज्जती हुई है, मुझे उस बेइज्जती से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। चलो अब हम घर चलते हैं। हाँ भाई, इधर आ, चल जल्दी दे मेरे पैसे। अरे साहब, आप, मैंने कहा नहीं था आपसे, दे दूंगा आपके पैसे, लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, तेरे नाम जमीन होगी ना, अपनी जमीन के कागज दे जल्दी से निकाल कर। अरे साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? उस जमीन से ही खाता कमाता हूँ मैं, और उसके कागज अगर आप ले लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं आपके पैसे मैं ब्याज के वापस कर दूंगा। भाई, ये ऐसे नहीं देगा अपनी जमीन के कागज, मैं इसके घर में घुसकर खुद निकाल के लेकर आता हूँ। भाई ये लो। अब तेरी जमीन के कागज मेरे पास आ गए, अब हमारा और तेरा हिसाब किताब बराबर। देखो साहब, मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी जमीन के कागज मुझे वापस कर दो, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब। सुनो, तुमने जो हमारे साथ किया है ना, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। अबे वो लंगड़ी, तू तो चुप बैठ, तेरी औकात नहीं है हमसे बात करने की, समझी? और हाँ, तू 2-4 दिन की पढ़ाई करने से कहीं डीएम नहीं बन जाएगी, तू अपने काम से काम रख, हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। चलो भाई अब चलते हैं, अपना काम बनता और भाड़ में जा जनता। ये लो भाई, हमें इस जमीन में से पूरे 1.5 लाख रुपए बचे हैं। कोई हिलेगा नहीं। अच्छा, तो तू अपने पैरों पर चलने लायक हो गई, और ये भाड़े के पुलिस वालों को लाकर तू मुझे डराना चाहती है? क्या कहा, भाड़े के पुलिस वाले? अपनी आंखें खोल कर देख, मैं एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी हूँ। क्या, तुम आईएएस बन चुकी हो? ये कैसे हो सकता है, तुम आईएएस कैसे बन सकती हो? मैं जैसे भी आईएएस बनी, वो सब तुझको बताने में कोई फायदा नहीं है। देखो नंदिनी, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। तुम लोगों ने जो भी मेरे साथ किया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लोगों ने उन गरीबों के साथ जो किया वो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। तुम जैसे भेड़ियों ने एक मजबूर और गरीब लाचार लड़की की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की थी ना, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। देखो, हमारे साथ कुछ भी मत करना, हमारी भी बीवी बच्चे हैं, अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी किया
तो हमारे बच्चे रोड पर आ जाएंगे। ओ, तो तुम लोगों की भी फैमिली है, अच्छा है। मेरी फैमिली नहीं थी क्या? तुम लोगों की वजह से मेरे पापा ने सुसाइड कर लिया और मेरी जिंदगी खत्म सी हो गई। वो तो अच्छा है कि मेरी जिंदगी में फिर ये आए और इन्होंने मेरे लिए वो किया जो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता है। और तुम लोगों ने चंद पैसों के लिए मुझे डराकर मेरी सारी जमीन हड़प ली। देखो वीर, हम तुम्हारी सारी जमीन लौटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ भी गलत मत होने देना। मेरी जमीन ही नहीं बल्कि जितने भी गरीब लोगों की जमीन हड़पी है तुम लोगों ने, वो सारी जमीन तुम वापस करोगे। और तुम लोग ये क्यों भूल जाते हो कि भगवान तुम जैसे अमीर लोगों का नहीं बल्कि हम जैसे गरीब लोगों का भी होता है। और ये सभी बातें तुम जैसे घमंडी लोगों के बहुत जल्द समझ में आ जाएंगी। और आज तुम दोनों को तुम्हारे कर्मों की सजा मिलकर ही रहेगी। और हर पल हमारे देश में एक नई खबर आती है कि वहां पर किसी ने सुसाइड कर लिया और किसी ने अपनी बहू को आग लगाकर घर से बाहर निकाल दिया। और ये सब कुछ ना तुम जैसे लोग ही करते हैं, इसी वजह से इस देश की नारियां ना सहम जाती हैं। और मेरे जैसी लड़कियां जो अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हैं, उन जैसी लड़कियों को भी तुम अपने पैरों तले रौंदना चाहते हो। और गरीब लोगों की मदद करने की बजाय तुम लोग उन्हें अपने पैरों के नीचे रखते हो ताकि वो जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करें। पर तुम लोग एक बात भूल गए कि हम भी यूपी से हैं और यूपी के हर एक नारी महारानी लक्ष्मीबाई की तरह होती है, जो तुम जैसे लोगों को तुम्हारी औकात दिखाने के लिए सामने आ ही जाती है। और देखो मैं आ गई। देखिए मैडम, हम जानते हैं कि हम माफ़ी के लायक नहीं हैं और हमने बहुत गलत काम भी किए हैं, अगर हो सके तो हमें माफ़ कर दो। ना जाने कितने लोगों को तड़पाया होगा तुमने। चलो अब तुम भी तड़फना जेल में हमेशा के लिए। पकड़ लो इन्हें।